देखिए कंचन, लगातार बहराइच के महसी इलाके में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बना हुआ है, जिसके चलते वो अब दोबारा से जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब बीती रात को इन भेड़ियों ने दो गांवों में हमला किया, और आप देख सकते हैं कि ये कमला देवी नाम की जो बुजुर्ग महिला है, इन पर अटैक किया। ये अटैक करीब 12 बजे रात में हुआ है, और उसके बाद एक जो गरेठी गुरदत्त सिंहपुरवा है, वहां पर एक अंजलि नाम की मासूम पर हत्या कर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत है। इस वक्त हम बात करेंगे इनके परिजनों से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, हालत गंभीर होने के बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त हमारे साथ इनके पुत्र मौजूद हैं। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम मनसाराम है, हमारा घर ग्राम 12 बीघा दाखिला कोटिया थाना हरदी के रहने वाले। मनसाराम जी, ये पूरी घटना कैसे हुई, कब हुई और कहाँ थे आप लोग उस वक्त? मेरी माता जी घर में सो रही थी, उनको बाथरूम में पेशाब लगा तो बाहर निकली, दरवाज़ा खोला, इसके बाद उसको बंद किया तो बंद करने में थोड़ा वो तो दरवाज़ा सही से नहीं बंद हुआ, रस्सी से अटकाया या कुछ किया, हम वहाँ पर नहीं थे। मेरी माता जी वहाँ गई थी, उसने हमला किया, दरवाज़ा एक खोल दिया, झटका मारा तो खुल गया, उसमें अंदर प्रवेश कर गया, उसके ऊपर हमला कर दिया। इसी प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया तो किसी प्रकार बच पाई, तो बाहर जब निकली तो आवाज़ दिया, पड़ोसी दौड़े और हम एक थोड़ी दूर पर सो रहे थे दूसरी जगह, तो हम बाद में पहुंचे वहां तो शोरगुल मचाया गया, तब गांव के लोग और दौड़े आए तो भेड़िया हमको तो नहीं दिखाई, मेरी माता जी ने देखा था उसको। तो जैसा कि आपने सुना कि जो भेड़िया है वो कमजोर दरवाजे का फायदा उठाकर यहाँ पर पहुँचा था, माता जी कैसे ये पूरा घटना हुआ, कब भेड़िया आया था? 10:30 बजे पेशाब का गई थी, पेशाब करके आई, अंदर फिर गई लेटी, वहाँ पे डटा रखा था, रस्सी बल्ले में कुंडी में बांध रखा, कुंडी नहीं लगती, रस्सी बांध दिया तो डरा कुछ है, पता नहीं कहाँ रखा रहा है, वो खड़ा रहा है, और जब मेरी आँख लगी हमारा झड़ाम दे पल्ले में, एक पल्ला दरवाजा खुल गया, एक नहीं खुला, मेरी लट्ठी दाब दिया, फिर का बाहर नया डाल दिया, तब थोड़ा जब ढीला करा तब हम चिल्लाई पाई, तब पड़ोसियों ने दौड़ो इसको लड़की के बुजुर्ग राजा। जैसा कि कंचन आपने सुना कि ये माता जी बता रही हैं कि ये देर रात घर से बाहर निकली थी पेशाब करने के लिए, उसके बाद इन्होंने दरवाजा बंद किया, लेकिन इनका दरवाजा कमजोर था, जिसके चलते कुछ ही देर बाद ये भेड़िया घर में एंटर किया और सीधे इनकी गर्दन पर अटैक किया। जब इन्होंने बचने के लिए वहां पर शोर मचाया तब जाकर वो वहां से भागा। इस भेड़िए का सबसे पहला टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चे हैं, यही कारण है कि करीब 11 से 12 के बीच में इस हमले के बाद 4 बजे दूसरे गांव गरेठी गुरदत्त सिंहपुर में ये हमला किया गया। देखिए कंचन, जहां बीते कई दिनों से वन विभाग युद्ध स्तर पर पूरे इलाके को उसने कॉर्डन ऑफ किया था, घेराबंदी की थी और वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन बीते रविवार को कहीं ना कहीं वन विभाग के इस ऑपरेशन में भी काफी ढिलाई देखने को मिली। लगातार हम लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया तो उनका यह कहना था कि हम जरूर एक नई रणनीति के साथ दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं उनका ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा नहीं। लेकिन जिसके बाद जब ये घटना हुई है तो यकीनन वन विभाग एक बार फिर से उस इलाके में पहुंचा है, वहां पर एक बार फिर से युद्ध स्तर पर इस भेड़िए को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि थर्मल जो ड्रोन कैमरे हैं उनके द्वारा स्कैन किए जाने के बावजूद बार बार भेड़िए का वन विभाग के घेरे से निकल जाना कहीं ना कहीं चिंता का सबब है और दहशत का भी सबब है, क्योंकि आपने देखा कि लगातार भेड़िया हमला कर रहा है, जिसके चलते आज एक बच्ची की मौत हुई है जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। तो कहीं ना कहीं अब वन विभाग को भी जो अफसर हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस भेड़िए को पकड़ा जाए और इस इलाके में व्याप्त दहशत को खत्म किया जाए, लेकिन ये कोई आसान टास्क नहीं है, इसको गंभीरता से करना होगा, और अगर ये नहीं किया जाएगा तो इसी तरह हमले और मौतों का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसको देखते हुए क्योंकि एक बार फिर
आज जो हमला हुआ है उसमें 10वीं मौत ये हुई है भेड़िए के हमले से, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और वन विभाग के भी हाथ पर फूले हैं। और अब एक बार उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद वो संबंधित इलाके में जाकर फिर चले गए। बच्चा खबने नहीं पावा साहेब मंजूर धरा कहाँ जाई बे, हमारी बच्चा हमारा सोना चले गया, हमारा हीरा चले गया, हमारे हाथे से हमारा करे थे फाट डाली ने, हमारे हाथे से छीन ले ने, कहाँ भाई भाई अपने बच्चा का। ये घटना खैरनिया टेपरा की है, तो टेपरा में घायल किया है, तो उस महिला का इलाज चल रहा है। उसका ये रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, तो इस वजह से वो अलग गांव है। तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है, और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। हेलो भाई, पानी उधर भी जाओ 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 जाओ, नहीं बंद कर दूंगा। एक मिनट भैया,